बहुत अच्छी मूवी थी एंड स्पेशली स्टार्टिंग में जो एनिमेशन था वो बहुत अच्छा था एंड ओवरऑल जो एक्शन है एंड कॉमेडी है इट वॉज गुड एंड इवन द इंडियन स्टार्स परफॉर्म वेल स्पेशली दिशा पठानी एंड सोनू सूद वॉज लिटिल बिट ऑफ बट रेस्ट ऑफ इट वॉज गुड. जैकी चैन ने अच्छा किया एक्शन एंड ओवरऑल कॉमेडी भी अच्छा था. मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 आई गिव इट 3.5. मूवी बहुत सही थी और सारे स्टार्स ने अच्छा काम किया एंड आई लाइक द एक्शन ऑफ जैकी चैन. हिज एक्शन वॉज वेरी गुड और दिशा पटानी का एक्शन भाई बहुत सही. अच्छा, और कितने स्टार देना चाहेंगे? 5/5. कोई गाना पसंद आया? नहीं, मैंने उतने गाने पे ध्यान नहीं दिया बट मुझे एक्शन ही बहुत सही लगा. अच्छी है. जैकी चैन बहुत अच्छी. उनका एक्शन पसंद आया आपको? हाँ, बहुत अच्छा था. और सोनू सूद भी है इस फिल्म में? सोनू सूद भी ठीक ठाक है. ठीक ठाक. और दिशा पटानी का एक्शन अच्छा लगा आपको? दिशा पटानी तो बेस्ट ही है. बेस्ट ही है. अच्छा, और क्या क्या बेस्ट लगा आपको इस फिल्म में? और भी सब अच्छा ही था. अच्छी मूवी है. आपको फिल्म पसंद नहीं आई? अच्छी रहेगा. फिर आप ऐसे क्यों मतलब? अरे ठीक ठाक है, इतनी भी अच्छी नहीं है. कितने स्टार देंगे आप? 5 में से? 4. कुंफू योगा मेरे को अच्छी लगी. अगर आपको बिल्कुल फन कॉमेडी मूवी चाहिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज कहूँगा. जैकी चैन का एक्शन आपको? जैकी चैन एज यूजुअल काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि उनका सिग्नेचर एक्शन वही रहता है, केक पंचेज एंड ऑल दैट. तो अगर आप जैकी चैन के फ़ैन हैं तो आपको मज़ा आएगा. बट ओवरऑल मूवी अगर आप कंपेरिजन करोगे तो इट्स अ नो ब्रेनर. मतलब दिमाग घर छोड़ के आओ एंड मज़ा करो एंड वापस जाओ. सोनू सूद इज़ लुकिंग वेरी गुड. मतलब हाँ, एज अ विलन ही इज़ लुकिंग की लग रहा है विलन की तरह. दिशा पटानी वॉज गुड एंड अमाया दस्तूर वॉज बेटर आई फील. हाँ, इंग्लिश डायलॉग डिलीवरी थोड़ी अलग हो जाती है हिंदी से, तो साफ दिख रहा था. गाना बस एक लास्ट में उन्होंने चाइनीज़ गाना डाला है, चाइनीज़ गाने के साथ डाला है, तो इट वॉज गुड. 3. थैंक यू सो मच. अच्छी है फिल्म, उसमें स्टंट्स भी अच्छे हैं, सब कुंग फू का अच्छा बताया है, सीखने भी मिलता है थोड़ा ये ऐसे घर में कैसे बिना से सीख सकते हैं, सब अच्छे से बताया है. इतनी ज़्यादा तो नहीं हूँ पर अभी ये फिल्म देख के ऐसा लग रहा है कि फैन बन सकते हैं. और इस फिल्म में सोनू सूद भी हैं, दिशा पटानी भी हैं. हाँ, ये दोनों एक्टिंग आपको कैसी लगी? हाँ, दोनों की एक्टिंग अच्छी थी, एकदम अच्छी लगी. दिशा पटानी का एक्शन? हाँ, वो उसका भी अच्छा था, एक्शन बहुत अच्छा था. और कितने स्टार देंगे आप? 5 में से? 5 में से 4. 4? हाँ. थैंक यू. कुंग फू योगा कैसी लगी? अच्छी लगी, अच्छी फाइटिंग है उसमें, नाइस स्टोरी. दिशा पटानी, सॉरी, जैकी चैन कितने बड़े फैन हैं आप? बहुत बड़ी फैन हूँ उनके, मतलब उनके फाइटिंग्स की एंड उनके स्टंट्स की, अच्छे लगते हैं. सोनू सूद है, दिशा पटानी भी है इस फिल्म में. सोनू सूद है, दिशा पटानी भी है इस फिल्म में, तो उनके दिशा पटानी की लुक्स मेरे को बहुत अच्छे लगे. आई एम वेरी बिग फैन ऑफ हर, बस और कुछ नहीं. कितने स्टार देंगे आप 5 में से? 4. अच्छी है वो, बहुत अच्छी है, देखने में भी इंटरेस्टिंग है वो. और जैकी चैन के कितने बड़े फैन हैं आप? बहुत बड़े फैन हूँ मैं उनकी. और एक्शन देखा आपको, एक्शन अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा. और सोनू सूद भी है इस फिल्म में, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा है वो, बहुत मस्त, अच्छा है. दिशा पटानी वो भी है अच्छे. कितने स्टार देंगे आप? 4. 4?
कैसी लगी आपको कुंग फू योगा? कुंग फू योगा बहुत ज़बरदस्त लगी, उसके अंदर जैकी चैन की जो एक्टिंग है वो तो ऑसम है ही, बट सोनू सूद को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। बट लेकिन पिक्चर की स्टोरी इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं फ़ैन हो गया पिक्चर का, और मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने पूरा पैसा वसूल किया हो। और बॉलीवुड के जितने भी स्टार्स हैं ऐसा लग रहा है धीरे धीरे करके हॉलीवुड की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं। जैकी चैन का एक्शन कैसा लगा? जैकी चैन तो ऑलवेज ऑसम है, एक्शन तो ऑसम था ही, ऑसम है और ऑसम ही रहेंगे एनी टाइम। उनने अपने आप को प्रूफ कर दिया कि वो ऑसम थे, ऑसम है और ऑसम ही रहेंगे। दिशा पटानी है हमारा दस्तूर भी है इस फिल्म के अंदर सोनू सूद के साथ में, सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बट थोड़ा एक्शन फेक टाइप का था, बट इट्स गुड फॉर एंटरटेनमेंट। और दोबारा फिल्म देखने जाएंगे इसे फुल पैसा वसूल मूवी कह सकते हैं? यस, फुल पैसा वसूल मूवी है, और अगर मेरे को चांस मिलेगा तो शायद जरूर वापस जाऊंगा मैं मूवी देखने। 5 में से 4 स्टार देना चाहूंगा।